आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। कांवड़ मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिटकुल के पदाधिकारी हो, और जो भी हमारे इसमें SPOs वगैरह सभी लोग जिन शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए, पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया, और कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जन को लेकर हो या पास को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए और उसमें बहुत हद तक हमने उन सुझावों को पूरा भी कर दिया है। जो पॉसिबल सुझाव थे उन पर भी विचार करके उसको आगे अभी इस वीक में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जेंस प्लान है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे कांवड़ डाक कांवड़ को लेकर हो, सभी कुछ अपने आपस में विचार विमर्श कर लिया है। और आगे आने वाले समय में भी छोटी छोटी मीटिंग जो स्टेक होल्डर्स के जो आती रहेंगी ड्यूरिंग कांवड़ हो, सोमवती अमावस्या भी है, उसमें भी भारी भीड़ आने की संभावना, इस सभी को देख कर चर्चा की गई है। और मुझे लगता है कि इस सभी के जो सुझाव हैं उसको साथ लेकर चलेंगे तो सकुशल ये कांवड़ मेला भी संपन्न होगा। देखिए 5 से 6 हज़ार का एक फोर्स का डिप्लॉयमेंट लास्ट ईयर भी था और इस साल भी है। कुछ हमने इसमें सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम बढ़ा भी रहे हैं उसे, साथ ही डे और नाइट में भी अफसर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट कुछ सेक्टर्स में रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी अभी प्रक्रिया में चल रही है और मुझे लगता है सभी सीनियर अधिकारियों के साथ डिस्कशन के बाद इसको फाइनल कर दिया जाएगा। देखिए हाई लेवल की जो मीटिंग थी विभिन्न प्रदेशों के साथ जो हमारे पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में हुई थी देहरादून में, वहाँ पर निर्णय था कि 12 फीट से ऊंची कांवड़ को ना यहाँ बनने दिया जाए, क्योंकि ऐसे हाई टेंशन वायर भी होते हैं और जिससे दुर्घटनाएं भी हुई हैं पूर्व में, तो उसको एक प्रतिबंध के रूप में लगाया गया कि 12 फीट से ऊंची ना बने। और साथ ही साथ जो इस तरह के त्रिशूल भाला, इस तरह के जो पारंपरिक जो लेकर लोग चलते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हुई। और खासकर व्यापारियों से भी आग्रह किया गया कि ऐसे सामानों को अपने बाजार में ना बेचें, ना दुकानों पर रखें, जिससे कि लोग इसे खरीद कर इसका प्रयोग ना कर पाए। एक परिचय पत्र लाने की बात हुई है कि आधार साथ में लेके चले सारे लोग। आईडी कार्ड के लिए इसलिए मैंडेटरी किया गया कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और कभी कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि कांवड़िए वो कहाँ से आया, उसके पेरेंट्स को या उसके परिवार को कैसे सूचित किया जाए, या अन्य कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो वहाँ पर हमें आईडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अपील भी की गई सभी स्टेट्स में जहाँ जहाँ से चल रहे हैं कांवड़ की कमेटियाज़ हैं, उनको भी मैसेज करवाया गया है कि जो भी कांवड़ यात्री आएँ वो अपने साथ आईडी लेकर जरूर है, कोई भी आईडी प्रूफ लेकर साथ जरूर चले।